आज हम आपको एक ऐसी जगह से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर लोगों के जोड़े बनते हैं, जहां पर लोगों की शादियों की मन्नत पूरी होती है। जी सही सुना आपने, ये जगह है मुंबई के कल्याण में। मुंबई के कल्याण में एक ऐसी मजार है जिनका नाम है मूसा साल सुहागी, यानी होम बाबा। होम बाबा के दर पर जिसने भी अपनी मन्नत मांगी उसकी मन्नत जरूर पूरी हुई। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर होम बाबा के यहाँ किस तरह से मन्नत की चूड़ियाँ चढ़ाई गई हैं, यहाँ पर किस तरह से लोग अपनी मुरादें मांगते हैं और लोगों की मुराद पूरी होती है। आपको बता दें ये मजार हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ पर कल्याण में अगर बारिश नहीं होती है तो लोग यहाँ पर नंगे पैर चलकर आकर नमाज अदा करते हैं, उसके बाद लोगों का मानना है कि यहाँ पर बरसात हो जाती है। हजरत मूसा साह सुहागी यानी होम बाबा, इनकी कई ऐसी करामात हैं जिनको हम आपके सामने रूबरू कराएंगे, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए हजरत का नाम जो है हजरत मूसा शाह सुहागी, उस बाबा हूँ उनका नाम है। हजरत जो है मुल्क यमन से हजरत हाजी मदन बाबा के साथ में आए थे, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं दीन की तबलीग के लिए आए थे, इनको वज़ीर हाजी मदन भी कहते सरकार का। और इनका सिलसिला जो है सुहागी है, ये सिलसिला आगे जाकर हुजूर सरकार सैयद बदीउद्दीन अहमद पीर जिंदा शाह मदार के सिलसिले में मिल जाता है, तो आगे जाके मदारी सिलसिले में मिल जाता है ये बिल्कुल। और इनके जो डायरेक्ट पीर है वो सैयदी मूसा सुहागन है, जिनकी मजार अहमदाबाद गुजरात में। देखिए हजरत का सिलसिला जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सुहागी सिलसिला है, तो सुहागी सिलसिले में जो है जब बाबा हयात थे तो ये खुद जो है चूड़ियाँ पहनते थे, जैसे अच्छा। काफ़ी सारे सिलसिले हैं, कादरी सिलसिला है, चिश्ती है, मदारी है, अशरफी है, रिफाई है, उसी तरह एक सिलसिला सुहागी सिलसिला है। तो सुहागी सिलसिले के जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने हयाती में भी चूड़ियाँ वगैरह पहनते, तो बाबा के पर्दा फरमाने के बाद आज लोग उनको बतौर नजराना चूड़िया पेश करते हैं बिल्कुल। और कुछ लोग जो है ऐसे भी होते हैं कि जिनकी शादियाँ वगैरह नहीं होती है, शादियों के मामलात में कुछ ना कुछ रुकावट पैदा आती है, तो वो लोग जो है बाबा को चूड़ियों का नजराना पेश करते हैं और अपने दिल की मुराद मांगते हैं कि भाई बाबा जहाँ पर भी आप बेहतर समझे हमारी रिश्ता जुड़वा दो, शादी करवा दो। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की दुआ से शादियाँ हो भी जाती है। हमने लाखों हज़ारों यहाँ पे लोग ऐसे देखे गए जो मन्नत पूरी होने के बाद बाकायदा जोड़े के साथ में यहाँ पर तशरीफ ला के बाबा को नजराना पेश किया। ये ऐसा मामला था कि कल्याण और अतराफ के मामले में यहाँ पे जब भी बारिश नहीं होती है तो यहाँ का एक रिवाज रहा है कि लोग जो है जुमा के रोज़ जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद नंगे सर, यानी कि सर पे टोपी नहीं पहनते और पैर में चप्पल नहीं, नंगे सर और नंगे पैर नमाज़ पढ़ने के बाद बाबा की ज़्यारत के लिए आते और दो रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद में बाबा से दुआ की दरख्वास्त करते। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की दुआ से यहाँ पर बरसात रिम झिम बरसती बिल्कुल बहुत बहुत बाबा की जिंदा कलाम। देखिए हजरत मूसा शाह सुहागी बाबा हम जो है तो इनको वफात हो के आज 287 साल हो गए। अच्छा। तो जब बाबा की वफात का वक्त करीब आया तो बाबा ने जो है अपने जानशीन हमारे सातवें दादा जिनका नाम है हजरत तरकैन शाह आशकान मदारी, उनको अपना जानशीन मुकर्रर किए। चूँकि बाबा ने शादी नहीं किए थे, बाबा सुहागी सिलसिले के बुजुर्ग है तो उन्होंने शादी नहीं की थी, तो ये लोग इन्होंने जो है हमारे सातवें दादा को जो है अपनी औलाद तस्लीम की, अपना जानशीन मुकर्रर किए और ये दुआ दिए कि कयामत तक तेरी औलाद मेरी खिदमत करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की दुआ से ये हमारी सातवीं पीढ़ी है, हमारे वालिद साहब सातवीं पीढ़ी है, हम लोग जो है आठवीं पीढ़ी में।